फिल्म की शुरुआत में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। उसकी एक भतीजी थी जिसका नाम वानिया था और उन दोनों ने उसे गोद लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वानिया के माता पिता की अजीब तरह से मृत्यु हो गई। मायरा और एडन वानिया से प्यार करते थे लेकिन अब भी वो अपनी माँ को याद करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक खिलौने की फैक्ट्री थी जिसमें वो गुड़िया बनाता था और उन्हें बेचता था। कुछ दिन पहले उन्होंने सबरीना नाम की एक गुड़िया बनाई थी और बच्चे इस गुड़िया को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे। एडन ने अपने पति के लिए सबरीना गुड़िया का दूसरा संस्करण बनाया जो वास्तव में अद्भुत था। मायरा और एडन का यह उपहार बहुत पसंद आया। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा था। इस लड़के का नाम डिट्टो था और वो इस गेम की मदद से अपनी दादी की आत्मा को असल दुनिया में बुला रहा था। वानिया ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। डिटो वानियों को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रार्थना करनी होगी ताकि आत्माएं वापस जा सके। डिटो वानियों को एक iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिससे आत्माओं का पता लगाया जा सके। वानिया ने डिटो से चार्ली गेम का बोर्ड लिया है। दूसरी तरफ हम वानिया को इस खेल की मदद से अपनी माँ की आत्मा को इस दुनिया में बुलाते हुए देखते हैं। वानिया को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा वास्तविक दुनिया में आ गई है। वो iOS ऐप इस आत्मा को ढूंढना शुरू कर देता है लेकिन ये ऐप फर्जी था और इसमें उसे अपनी माँ की जगह अपनी मौसी मायरा नजर आ रही है। मायरा वानिया को अपने कमरे में सुलाती है और सोने से पहले उसे सबरीना गुड़िया दिखाती है। जब वानिया सो रही होती है तो हम गुड़िया की आंखों को हिलते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि कुछ आत्मा वास्तव में चार्ली गेम से आई थी और सबरीना गुड़िया में थी। अगले दिन सबरीना की गुड़िया को अपनी स्थिति बदलते हुए अपने आप चलते हुए देखा गया। ये देखकर वह डर जाती है। रात में जब वान्या फिर से उस iOS ऐप का उपयोग करती है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो वास्तव में एक डमी थी। तभी एक आत्मा वान्या को कोठरी में खींच लेती है। वान्या सुबह यह बात मायरा को बताती है लेकिन उसकी चाची बताती है कि उसकी माँ एंटनी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन एंटनी वहाँ मौजूद थी। अगली रात मायरा अपने घर में एंटनी को देखती है। अचानक वो एक राक्षस में बदल जाती है। वो मायरा के मारने की कोशिश करती है। मायरा चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी बात सुनकर एडन भी वहाँ पहुँच जाता है। ये राक्षस उन दोनों पर हमला कर देता है। ये राक्षस उन्हें किसी भी तरह जाने नहीं देता लेकिन वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब उन्हें मालूम हो गया कि उनके घर में किसी राक्षस का वास है। इसके लिए पैरानॉर्मल विशेषज्ञ सुश्री लाड़ाशाह के उनके पति श्री रेनॉर्ड से मिलने जाते हैं। सुश्री लाड़ाशाह तुरंत उसके साथ जाती है। वहाँ वो चार्ली गेम की मदद से एंटनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके बोर्ड में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। घर की लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में इस राक्षस के पास वान्या है और वो सुश्री लाड़ाशाह को ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर हमला करती है। वो किसी तरह हमले से बच जाती है और राक्षस को अपने शरीर से बाहर निकालती है लेकिन ये शैतान स्वतंत्र है और उन सभी पर हमला करता है। वहाँ वे सब लड़ते हैं। सुश्री लाड़ाशाह ने राक्षस को उसी घर में बंद कर दिया। वो एक गलती करती है कि वो सबरीना गुड़िया को अपने साथ बाहर ले जाती है और ये शैतान उस गुड़िया में आता है और उसके साथ बाहर आता है। लाड़ाशाह ने इस दानव को पहचान लिया था और वो बताती है कि दानव का नाम बघिया है। ये कोई आम आत्मा नहीं बल्कि राक्षस का बच्चा है। ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ हम वानिया के माता पिता की मृत्यु के बारे में जानते हैं। लाड़ाशाह बताती है कि बघिया वानिया की माँ के नियंत्रण में थी और उसने ही उसके पिता को भी मार डाला था। लाड़ाशाह और रेनॉर्ड किसी तरह बघिया को उसकी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब रहे लेकिन उसी दौरान एंटनी की भी मौत हो गई। वानिया को चार्ली गेम की मदद से एंटनी को इस दुनिया में लाया गया था। तभी बघिया का दानव हमारी दुनिया में वापस आ गया। बघिया को मारने का केवल एक ही तरीका है। वह लाड़ाशाह अपने वास्तविक रूप में विरासत में मिले खंजर से उस पर वार करती है। ये खंजर बघिया को मारने के लिए बनाया गया था। उस समय रेनॉर्ड के पास यह था। रेनॉर्ड को यह खंजर कई साल पहले एक गुफा में मिला था जहाँ यह खंजर स्वयं राक्षस ने छुपाया था। अगले दिन बघिया का दानव फिर से सक्रिय हो जाता है और मायरा पर कब्जा कर लेता है। मायरा इस खंजर से सभी पर वार करती है और वह किसी तरह मायरा को अपने घर वापस लाने में कामयाब होते हैं। यहाँ लाड़ाशाह मायरा पर भूत भगाने का काम करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बघिया राक्षस को इस दुनिया में सबसे पहले एक इंसान ने बुलाया था। यहाँ कहानी बदल जाती है। दरअसल कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उसके पिता के खिलौने की कंपनी थी। उसके पिता को आर्का के डिजाइन किए हुए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद थे जिससे एडन को जलन होने लगी। अब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके पिता ने अपनी संपत्ति का 60% हिस्सा आर्का के लिए तय कर दिया। एडन के हिस्से में केवल 40% संपत्ति आई। इससे एडन चिंतित हो गया। वो एक जादूगर के पास गया क्योंकि वो काले जादू की मदद से अपने भाई को मारना चाहता था। वो सारी संपत्ति चाहता था और उस जादूगर ने वाग्या के राक्षस को हमारी दुनिया में बुलाया। ये राक्षस मानव शरीर चाहता था। वाग्या ने आर्का पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन राक्षस ऐसा करने में असमर्थ रहा। इसलिए वाग्या की राक्षसी आर्का की पत्नी एंटनी और आर्का वान्या के माता पिता थे। जब लाड़ाशाह ने वाग्या से प्रतिस्पर्धा की तो इससे एंटनी और आर्का दोनों की मृत्यु हो गई। वान्या के माता पिता की मौत के लिए एडन जिम्मेदार था। दूसरी ओर वाग्या के राक्षस को एक और मानव शरीर की आवश्यकता थी। उसके पास एडन है क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था। कब्जे में रखा हुआ एडन उन सभी पर हमला करता है।
रेनार्ड किसी तरह शैतान को एडन के शरीर से बाहर निकालता है। अब यह शैतान लार्सा पर उसके असली चेहरे पर हमला करता है। इस बीच वह विरासत में मिले खंजर से शैतान को मार देती है। फिर फिल्म का अंतिम दृश्य दिखाया जाता है जहां पुलिस एडन को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम मायरा और वाग्या को खुशी से अपना जीवन जीते हुए देखते हैं। कुछ ही समय बाद लारा और रेनार्ड को एक असाधारण गुड़िया के बारे में एक और खबर मिलती है। उससे आगे कुछ भी नहीं दिखाया गया। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।